हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीलॉग। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सल्फेट फ्री या फिर पैराबेन फ्री शैम्पू का रिव्यू देने जा रही हूँ। और बता दें कि उस शैम्पू का नाम है स्कॉच कॉफ प्रोफेशनल बोनाक्योर पेप्टाइड रेस्क्यू शैम्पू, जो कि ये शैम्पू है। तो ये है स्कॉच कॉफ बोनाक्योर पेप्टाइड रेस्क्यू शैम्पू, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और ये है कंडीशनर, इन दोनों का आज मैं रिव्यू करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस से। मार्केट में ये आपको दोनों 1800 पड़ जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो 200-300 रुपये ऑफ भी मिल जाएगा आप सभी को। तो आप सभी इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर नाइका से खरीद सकते हैं। मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था। और अगर अब इसकी बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया है तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू जो है यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मेरे बालों पे जो केमिकल लगा था वो स्कॉच कॉफ का ही लगा था, जिससे मैंने स्कॉच कॉफ का ही शैम्पू और कंडीशनर लिया। पहले मुझे मास्क बोला गया था लेने के लिए, लेकिन मैंने मास्क नहीं लिया क्योंकि मास्क लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने टाइम कंजप्शन ज़्यादा ना हो इस वजह से कंडीशनर और शैम्पू ही प्रेफर किया। तो मैं अगर ये बताऊँ कि मैं कैसे ये शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस शैम्पू को अपने स्कैल्प में नहीं लगाती हूँ। मैं उसको पहले थोड़ा डाइल्यूट कर लेती हूँ, मतलब उसमें पानी मिक्स करती हूँ, फिर लगाती हूँ और स्कैल्प में लगाती हूँ। और स्कैल्प में लगाने के बाद मैं उसको 5 से 6 मिनट छोड़ती हूँ, उसके बाद ही वॉश करती हूँ। क्योंकि मुझे सलोन से ये रिकमेंडेशन मिली थी कि आप पहले शैम्पू को थोड़ी देर तक स्कैल्प में छोड़ें, उसके बाद ही, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल जो है ना बालों में प्रोड्यूस करता है ये जो सल्फेट फ्री शैम्पू है, और स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको भी दूर करता है। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे अभी हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारी आँखों में आ जाता है, तो ये शैम्पू बहुत ही जेंटल है, इवन आँखों के लिए भी और बालों के लिए भी। इसके बाद अगर बात करें कंडीशनर की, तो शैम्पू के बाद कंडीशनर जब मैं यूज़ करती हूँ तो सिर्फ नीचे के बालों में करती हूँ, और उसको भी मैं करीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और अच्छे से कंडीशनिंग करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे पानी से मैं हेयर वॉश करती हूँ। लेकिन मुझे जो लगा था कि स्मूथनिंग के बाद हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन हेयर फॉल होने ड्रास्टिक या फिर क्रॉनिक बोल सकते हेयर फॉल हो रहा था आफ्टर परचेजिंग दिस शैम्पू और कंडीशनर। मुझे लगा कि इसको यूज़ करने के बाद भी हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों तो ठीक रहा था, लेकिन हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। क्योंकि वो किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, स्पेशली स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग के बाद, वो होता ही होता है। लेकिन जो इस शैम्पू के फ़ायदे हैं, वो उसकी अगर बात करें तो आपके बालों में टैंगल नहीं होने देगा, काफ़ी माइल्ड है और आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, एकदम फ्री का फील होगा, ड्राई नहीं रहने देगा। और ज़रूरी बात यह है कि जो आपको नेचुरल ऑयल की ज़रूरत होती है आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट, वो प्रोड्यूस करता है और स्कैल्प के इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है ये। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। और बता दूं कि इसके फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है। और अगर आप इस स्कॉच कॉफ शैम्पू के कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, तो शैम्पू जो है वो काफ़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ है, क्योंकि और शैम्पू जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसी ट्रांसपेरेंसी है वैसे ही आपको बालों पे यूज़ करने के बाद भी फील होगा, एकदम फ्री से फील होगा और काफ़ी सॉफ्ट लगेगा। और कंडीशनर जो है वो थिक है, क्योंकि कंडीशनर थिक ही होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में इसको भी अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद वहीं अगर आप शैम्पू की एक क्वांटिटी की बात करेंगे, तो 900 में शैम्पू 250 ml है और कंडीशनर 200 ml है 900 में। आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और गाइज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।